नमस्कार, मैं हूं रविशंकर। आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनार्दन न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर, आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर नजर। बरेली के लिए ये कब से इसको क्रियान्वयन रूप दिया जा रहा है और इसके अंतर्गत क्या नई योजनाएं हैं? देखिए, अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 शुरू हो गया है और स्वच्छता महुआ जो ऐप है ये नया नहीं है, ये पुराना ऐप है जी। और इसको लेकिन लोग कम यूज कर रहे हैं जी। अपनी कंप्लेंट, सिटी की कोई भी कंप्लेंट आप इस पर दर्ज कर सकते हैं, फोटो खींचकर इस पर भेज सकते हैं, तो उससे उस समस्या का निवारण होगा। मैं ये बरेली की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि सारे लोग स्वच्छता ऐप को डाउनलोड करें। कहीं भी आपको कोई गंदगी, सड़क टूटी हुई, कुछ भी अगर दिखाई देती है तो उसको फोटो खींचकर उस ऐप पर उसको अपलोड करें। तो अपलोड करेंगे उस समस्या का समाधान होगा। अब जमाना हाईटेक का है तो हम जितना ज्यादा अपने आप को हाईटेक करेंगे तो निश्चित रूप से उतनी ही सुविधाएं हमको मिलेंगी। स्वच्छता में बरेली के लोगों का सर्वे भी होगा और उस सर्वे में, क्योंकि आपकी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, रोड सफाई सभी कुछ शुरू हो गया है और बहुत अच्छे से अभी चल रहा है, तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है बरेली वासियों से कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भी भाग लें और अपना सकारात्मक तरीके से भाग लेते हुए बरेली को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन दिलाएं। अच्छा, डोर टू डोर सफाई की जो व्यवस्था है उसमें अमूमन देखा गया है डोर टू डोर जो व्यवस्था की गई है उसमें वो लोग ढिलाई बरतते हैं, उनका कोई प्रॉपर टाइम फिक्स नहीं होता है। कभी वो मॉर्निंग में 9 बजे आ जाते हैं, कभी वो 12 बजे आते हैं, कभी वो 11 बजे आते हैं। अभी जो नया जो डोर टू डोर का एग्रीमेंट हुआ है उसमें सारे टाइम फिक्स किए गए हैं कि कितने बजे जाएंगे, कितने बजे तक वो लोगों से कूड़ा उठा सकते हैं लोगों के यहाँ, और बाकायदा उसको ऐप में दर्ज करना होगा, तो सारा है। और उसमें पेनल्टी क्लॉज बहुत बड़ा है, तो कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो इतनी बड़ी पेनल्टी है, उनके 10-10 लाख रुपए की सिक्योरिटी होगी जब, इसलिए अब उम्मीद है कि वैसे काम नहीं। जो डोर टू डोर जा रहे हैं वो 100 रुपए प्रति घर ले रहे हैं, वो अलग अलग जगह है, कहीं 50 रुपए है, कहीं 100 रुपए है, अलग अलग जगह का, अलग अलग एरिया का। कल कुछ समाज सेवियों ने इस बात को लेकर यहाँ पे ज्ञापन भी दिया था, और मुझे नहीं दिया लेकिन किसी और को दिया होगा। नियम है, वो नियम के अनुसार लोगों को देने पड़े।